बुलंदशहर के सयाना में गोकशी की वारदात के बाद बढ़की हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के मामले की जांच कराने पहुंचे एडीजी इंटेलिजेंस एसके शिरोडकर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों से पूछताछ की शहर एसएसपी केबी सिंह ने बताया कि 27 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज रिपोर्ट और लगभग 50 लोगों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। सयाना भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष शिखर अग्रवाल व बजरंग दल के कार्यकर्ता भी नामजद है। आखिर यह राज भी पुलिस ने क्यों छुपाया कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की गोली मारकर हत्या की गई थी और क्यों बुलंदशहर पुलिस के हाथ काट दिए गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं इस हिंसा में सफेद पोशों का ही हाथ हो? गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हैं, उसको हम लोग लगातार गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। कब तक अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है हमारे पास? जो है हम लोग अभी जो है जो कुछ हमारे नामजद भी हैं, कुछ हमारे जो चिन्हांकन भी आ रहे हैं, दोनों टीमें हम लोग जो है पूरी आधा दर्जे से ज़्यादा जो है 27 लोगों को नामजद किया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें ये कोई केस नहीं है, मतलब बात यह है कि जो हमारे वीडियो कैमरे हमारे जो है साक्ष्यों के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यूवी बजरंगदल का नाम आ रहा है इसमें, हम लोग उसमें आपका हमें इसकी इसका संज्ञान नहीं है। जो हमारे दृष्टि में जो उपद्रवी है, जो कानून व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है, शांति जो भंग कर रहा है, वो उसका है। पुलिस चौकी के जो कांस्टेबल है वो बता रहे हैं कि यहाँ जो कल घेराव किया गया था 500 से 600 की संख्या में जो बजरंगदल के कार्यकर्ता थे, उसकी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ के कांस्टेबल बता रहे हैं, पुलिस चौकी के कांस्टेबल कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? हम लोग ने भी जो है नामजद व्यक्ति में 3 को गिरफ्तार किया है। उनमें से किसी का हिंदुवादी संगठन से कोई मतलब? हम इसकी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। हमारा वेरिफिकेशन यह है कि कौन सा व्यक्ति क्राइम में इन्वॉल्व है।